मैं मानता हूं ये कार्यकाल अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना स्थान बनाया है, लेकिन अधिकतम सैटेलाइट लॉन्च करने का काम इसी कार्यकाल ने दुनिया के लिए भारत की एक हमारी एक ताकत को बढ़ाया है। एक लॉन्चिंग पैड के रूप में आज विश्व के लिए भारत एक डेस्टिनेशन बना है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी एक सेंटर बनता चला जा रहा है। मेक इन इंडिया की दिशा में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत आज आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने की दिशा में कई कदम उठा रहा है। वैश्विक परिवेश में आज भारत को गंभीरता से सुना जाता है, और मैं कभी कभी मैं कहता हूं, लोगों को भ्रम होता है कि भी मोदी हैं या सुषमा जी हैं, इसके कार्यकाल में दुनिया में हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई है, दुनिया में वाहवाही हो रही है, वो कहते होंगे लोग, लेकिन रियलिटी जो है वो और है। जिस रियलिटी का मूल कारण है पूर्ण बहुमत वाली सरकार। दुनिया पूर्ण बहुमत वाली सरकार को रिकग्नाइज करती है। 30 साल का बीच का हमारा कालखंड वैश्विक परिवेश में इस कमी के कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। 30 साल के बाद 2014 में, क्योंकि जब उस देश का नेता जिसके पास पूर्ण बहुमत होता है वो जब दुनिया के किसी भी नेता से मिलता है तो उसको मालूम है कि इसके पास मैंडेट क्या है और उसकी अपनी एक ताकत। इस बार मैंने 5 साल अनुभव किया है कि विश्व में देश की एक स्थान बना है और उसका पूरा यश न मोदी को जाता है न सुषमा जी को जाता है, 125 करोड़ देशवासियों के 2014 के उस निर्णय को जाता है। उसी प्रकार से इसी कार्यकाल में विदेशों में अनेक संस्थाओं में भारत को स्थान मिला, विदेशों में सुना गया। अब हम देखें बांग्लादेश, इसी सदन ने सर्वसम्मति से लैंड डिस्प्यूट का सॉल्यूशन किया, ये बहुत बड़ा काम किया। भारत विभाजन से विवादास्पद और बांग्लादेश बनने के बाद संकट के रूप में चला आया, लेकिन उसका समाधान भी इसी सदन ने किया। और मैं समझता हूं कि हमारी अपनी एक विशेषता रही है कि हमने मिलजुल कर इस काम को किया और दुनिया को सर्वसम्मति का यह संदेश दुनिया को बहुत बड़ी ताकत देने वाला संदेश गया है। और मैं इसके लिए सदन का विशेष रूप से आज फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, सभी दलों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमारी विदेश नीति का एक नया पहलू उभर करके आया है। दुनिया में ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज जाने अनजाने में जैसे किसी दुनिया के किसी एक छोर का ही अधिकार रहा है, बाकी लोगों को तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है, और हम तो जैसे मानव अधिकार विरोधी और इसी प्रकार की हमारी छवि बन गई, जबकि मानवता और वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला यही देश, लेकिन न जाने कौन ऐसी छवि बन गई। लेकिन पिछले 5 साल में हम देखेंगे, नेपाल में भूकंप आया हो, मालदीव में पानी का संकट हुआ हो, फिजी के अंदर साइक्लोन की मुसीबत आई हो, श्रीलंका के अंदर अचानक साइक्लोन की मुसीबत आई हो, बांग्लादेश के अंदर म्यांमार के लोगों के कारण आई हुई आपदा मुसीबत झेलते रहते हो, हमारे लोग जो विदेशों में फंसे थे यमन में उनको हजारों की तादाद में वापस लाने का काम हो, नेपाल में 80 देशों को हम लोगों को निकाल करके हमने उनको यहां सुरक्षित भेजा। मानवता के काम में भारत ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। योग पूरे विश्व में एक गौरव का विषय बन गया है। विश्व में यूएन में अब तक यूएन में जितने रिजोल्यूशन पास हुए हैं सबसे तेज गति से सबसे ज्यादा समर्थन से अगर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है तो योगा के समर्थन, इंटरनेशनल योगा डे। यूएन के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती, महात्मा गांधी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। विश्व के सभी देशों में बाबा साहब आम्बेडकर के 125 वर्ष मनाए गए हैं, महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई। और गांधी के 150, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि वैष्णव भजन तो तेरे रे कहिए जो हम लोगों की रगों में है, आज दुनिया के 150वीं जयंती के निमित्त
दुनिया के 125 देशों के प्रसिद्ध गायकों ने वैष्णव भजन को उसी रूप में गा करके महात्मा गांधी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है। यानी विश्व में एक सॉफ्ट पावर को कैसे ले जाया जा सकता है, इसका एक उदाहरण हम आज अनुभव कर रहे हैं। 26 जनवरी को हमने देखा होगा महात्मा गांधी को सेंटर में रखते हुए 26 जनवरी की झांकियां, सब राज्य ने किस प्रकार से गांधी को अद्भुत रूप से प्रस्तुत किया। यानी 150वीं जन्म जयंती और महात्मा गांधी को स्मरण करना, हमने इस सदन में इस कार्यकाल में संविधान दिवस मनाया, हमने इस सदन कार्यकाल में बाबा साहब अम्बेडकर की 150वीं जयंती के निमित्त विशेष चर्चा की, हमने इस सदन में इस कार्यकाल में यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए समय दिया और सबने मिलकर के सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल के संबंध में चर्चा की। ये अपने आप में नई नई परिपाटियां इसी कार्यकाल के इसी सदन के आपके नेतृत्व में संभव हुआ है, और इसलिए सदन के सभी सदस्य आपके नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। करीब 219 बिल इंट्रोड्यूस हुए और 203 बिल पारित हुए। और इस सदन में जो आज सांसद हैं, 16वीं लोकसभा के संबंध में अपने जीवन के संबंध में जब भी किसी से बताएंगे, चुनाव के मैदान में जाएंगे तब भी बताएंगे, और चुनाव के बाद भी जब मौका मिलेगा, कुछ लिखने की आदत होगी तो कोई जीवन लिखेगा तो जरूर लिखेगा कि वो उस कार्यकाल के सदस्य थे जिस कार्यकाल में उन्होंने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने का काम किया। इस देश में ऐसे कानून जो पहले कभी नहीं बन पाते थे वो इस सदन ने बनाए थे, और इसका बहुत बड़ा विदेश में जमा हुए काले धन के खिलाफ बहुत बड़े कानून बनाने का काम यहीं पर हुआ। दिवालिया कंपनियों से जुड़ा हुआ आईबीसी का कानून इसी सदन ने बनाया, बेनामी कंपनियों के संबंध में कानून इसी सदन ने बनाया, आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ों के विरुद्ध कानून इसी सदन ने बनाया। मैं समझता हूं कि इन 5 साल में इस कार्यकाल ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जो कानूनी व्यवस्था चाहिए, जो कानूनी हक चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे कानून की एक ताकत होनी चाहिए, इसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए उस उत्तमोत्तम पुरुषार्थ से इस सदन ने पारित करके देश की आने वाली शताब्दी की सेवा की। और इसलिए इस सदन को आपके नेतृत्व को अनेक अभिनंदन, न सिर्फ इस पल आने वाली पीढ़ियां भी देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यही सदन जिसने जीएसटी का बिल पारित किया और रात को 12 बजे संयुक्त सत्र बुलाया और क्रेडिट लेने की कोशिश किए बिना पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर और उस समय के राष्ट्रपति उनके हाथों से जीएसटी करके ताकि सबको इसका हक मिले, सबका साथ सबका विकास उसमें भी चले, इसका एक प्रामाणिक प्रयास किया गया। उसी प्रकार से यही सदन है जिसने आधार